मौसम आज ना बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है। हो सकता है थोड़ी सी धूप निकले क्योंकि उस जगह पे ना से शाइन शाइन आ रही है धूप की। सुबह जब मैं 4 बजे उठी हूँ तो अच्छी खासी बारिश हो रही थी और इतना अच्छा आज का मौसम हो गया। जो मौसम है ना अभी थोड़ा बेहतर बेहतर रहे। अभी मैं मेहमत को करने लगी हूँ तैयार। ये रहा मेहमत का यूनिफॉर्म। मेहमत को उठाती हूँ क्योंकि आजकल जो है ना वो मेहमत को उठाना टास्क है। बेटे उठ जाओ सोने, उठ जाए, इट्स मॉर्निंग। आपको पता है बारिश हुई है, इतना अच्छा मौसम है। आपको पता है क्या हुआ? मेरा भी साथ में सो रही है यहाँ पे। मैं बस लगी हूँ दही रोटी इस टाइम। और दही जो है ना, रोटी जो है ना वो रात की है, और रात की रोटी जो है वो बड़ी ताकतवर होती है। तो आज खाएगा मेहमत दही रोटी फॉर द फर्स्ट टाइम। बाय द वे खिलाते हैं मेहमत को, फिर उसको रेडी करते हैं फटाफट से। टाइम अब उसका थोड़ा ही रह गया स्कूल जाने का। ओके इधर मुँह करें। कहाँ जाएंगे आप संडे को? और ये आपकी वाटर बॉटल भी बेटे। अल्लाह हाफिज़ मेरा बेटा, सॉरी कर लो। अल्लाह हाफिज़ के जाने के बाद हालात कुछ ये हो जाते हैं। तो अभी मैं सारी चीज़ें उठा के तो इनको रखती हूँ। और ये जो ऊपर मेहमत रात को ड्रा कर रहा था चीज़ें, अगर आपको दिखें तो आपको यहाँ पे ठाक के दिखाती। ये देखें मेहमत यहाँ पे इस तरह से इस पर चीज़ें ड्रा कर रहा था स्केल के साथ। ये देखें हाउस बनाया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे भी उसने हाउस बनाया हुआ है। ये कुछ फ्लैग्स टाइप कुछ बनाया हुआ है, ये भी कुछ बना हुआ है। और बस जब आपको बच्चों को मोबाइल से दूर रखना होता है ना, तो फिर आपको ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। और इतना खिलारा जो है ना घर में पड़ा ही रहता है, कभी भी खिलारा जो है ना समेटा नहीं जाता, कभी भी साफ नहीं रह सकता बच्चों वाला घर। मेहमत ने क्या किया हुआ है यहाँ पे, मेहमत ने आटा लेके तो उसके साथ खेल रहा था, आटे की डो के साथ काफ़ी चीज़ें बना रहा था, उनको मोल्ड में डाल रहा था। तो बस ये चीज़ें चलती रहती हैं सारा दिन में। और ये रही मेहमत की कैप। इस टाइम यही समझता है कि ये एक पिल्ली है जबकि ये ना एक कैप है। मेहमत ने ना इसको यहाँ से फाड़ भी दिया हुआ है क्योंकि रात को वो इसके साथ ही सोता है। उसको जब रात को सोता है ना, उसको कुछ ना कुछ सॉफ्ट टॉय चाहिए ही होता है। जब उसको कुछ ना ना मिल रहा हो तो वो कहता है मुझे टॉवल दे दे, मतलब कुछ सॉफ्ट चाहिए। तो ये लेके आई थी और ये उसने इसका हाल ये कर दिया। और जब ये पड़ी होती है ना, ऐसा लगता है जैसे ना कोई बिल्ली बैठी हुई है, बिल्कुल भी लगता नहीं है कि एक ऐप हमारे पास पड़ी हुई है। साथ ही यहाँ पे मिर्हा भी सो रही है, और कुछ लोग मिर्हा को मिस कर रहे थे। तो यार मुझे लगता है मिर्हा को नज़र लग जाती है। आया करेगी, थोड़ा थोड़ा आया करेगी, मैं बहुत ज़्यादा उसको शो नहीं किया करूँगी क्योंकि लास्ट कुछ डेज़ में ना मिर्हा बहुत ज़्यादा बीमार रही थी। तो इसलिए इतना सा देख लें बस माशाल्लाह मिर्हा को। हाँ जी, कैसी लगी मेरी कटिंग पे? हाँ सही हो गया, कटिंग हो गई है आदिल की। इसको पॉलिश कर ले। हाँ अब इसको पॉलिश करने का टाइम है। अच्छा कलर जो है ना वो आदिल खुद ही करते हैं। यहाँ पे कलर कौन सा यूज़ कर रहे हैं? ये वाला गोदरेज का कलर यूज़ करते हैं, और डार्क ब्राउन वाला। डार्क ब्राउन। अच्छा ये वाला जो पाकिस्तानियों के जुगाड़ होते हैं ना, वो बड़े कामयाब होते हैं। जो ब्रश ख़राब हो जाए आपने उसको फेंकना नहीं है, आप उसके साथ इसके साथ बड़े अच्छे बाल भी डाई हो जाते हैं। और साथ ही साथ मैंने किचन में भी एक रखा हुआ है ताकि जूसर मशीन वगैरह या कोई ऐसे कप भी होते हैं जिसके ना अंदर बाहर वाली साइड पर कचरा वगैरह या मैल लग जाती है, तो उस अच्छे से साफ़ हो सकता है। इसके साथ बड़ा कन्वीनियंट रहता है इसके साथ साफ़ करना। तो आदिल हमेशा इसी के साथ जो है वो ब्रश करते हैं, इसके साथ बड़ा इजीली लग जाता है। ये मेरी न्यू लुक कैसी लगी आप लोग लाजमी बताइएगा। ये कलर्स वगैरह मैंने खुद ही किया है, दाढ़ी में रह गया थोड़ा बहुत हल्का फुल्का, हार्ड बाल थे मेरे ख्याल से, शायद इस वजह से नहीं हुए। बालों में तो ऊपर सही हो गया काफ़ी, एक दफ़ा फिट लगेगा ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। कोशिश करूँगा कि ऐसे ही रहूँ। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको सुबह बताया था कि मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है, मैं भी फ्रेश हुई थी। प्लान मेरा नहीं था कि हम लोग मेहमत को लेने जाएंगे, लेकिन मौसम फिर से इतना अच्छा हो गया है कि मैंने कहा चलो थोड़ा सा हम बाहर से भी होएंगे, मेहमत को भी ले आएंगे, क्योंकि फिर सारा दिन बाहर आना जाना होता नहीं है। सारा दिन घर पे रह रहे के भी बोर हो जाते हैं, और बच्चों के साथ वैसे ही टाइम इतना टफ हो जाता है ना, वैसे ही माइंड बहुत ज़्यादा थका होता है। तो इस तरह थोड़ा सा माइंड भी फ्रेश हो जाएगा। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है आज का, चलते हैं मौसम भी दिखाती हूँ और मेहमत को लेके आते हैं। जो है वो मैंने चेंज कर लिया है क्योंकि मिर्हा के साथ जो है ना रेशमी दुपट्टा बिल्कुल भी नहीं कवर किया जाता, मतलब दुपट्टा जो है वो बार बार फिसलता है।
तो या तो बच्चा संभालो या तो दुपट्टा संभालो। तो स्कार्फ मैंने चेंज कर लिया है, मिरहा को मैंने उठा लिया है, तो अब चलते हैं मेहमत को लेने। नहीं पता चला कि मैं आई हुई हूँ और वो बाबा को लेके आगे चला गया। मुझे भी खिलाएंगे। आपको नहीं पता था मामा भी आएंगे। मेहमत ने पी लिया था शुगर कैन और मुझे जो है वो सिट्टा बहुत ज़्यादा पसंद है। आपको अगर मेरे पुराने व्लॉग्स याद हैं तो देखे हैं तो आपको याद होगा। तो यहाँ पे मैं सिट्टा लेने लगी थी क्योंकि मौसम इतना कोई अच्छा हुआ है ना, तो इसमें तो ये सिट्टा बनता ही है। और हम जो है ना वो इसी तरह छोटी छोटी चीज़ों में इंजॉय कर लेते हैं और यही लाइफ है कि छोटी छोटी चीज़ों में आप खुशियाँ ढूंढें। और घर चलते हैं फिर बात करते हैं फेस टू फेस। ओके, मेरी कोशिश होती है कि मेहमत को कम से कम मैं स्क्रीन टाइम 10 से ज़्यादा उसको ना एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रखूँ। एक्टिविटीज़ भी पहले मैं उसके साथ बहुत ज़्यादा करती होती थी और मैं खुद से एक्टिविटीज़ बना लेती थी, बट अब वो जो है ना ग्रो अप हो रहा है, उसको चीज़ें डिफरेंट चाहिए होती हैं और वो अपने हिसाब से चल रहा होता है, अपने हिसाब से चीज़ें लेता है, उसको यूज़ करता है। और ये चीज़ मुझे जो है ना बड़ी अच्छी लगती है। एक और चीज़ बच्चों में जो होनी चाहिए, मुझे जो लगता है कि बच्चे जो है ना खुद अपना डिसीजन ले सकें, मतलब अभी से हम अगर बच्चों को अपना डिसीजन लेने वाला बनाएंगे तो तभी वो बड़े होकर भी अपना डिसीजन ले सकेंगे। उनको अच्छे और बुरे का पता होना चाहिए, उनको गलत और सही का पता होना चाहिए, कौन हमें मिसगाइड कर रहा है, कौन हम अच्छा गाइड कर रहा है, कौन हमारे साथ है, कौन हमारे साथ नहीं है। अगर हमें किसी की बात सुननी है तो किसकी सुननी है, सुने सबकी लेकिन करें अपनी मर्ज़ी। बच्चों को दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। शुरू से थोड़ा सा पैम्पर्ड रखा था मेहमत को, बहुत ज़्यादा बल्कि पैम्पर्ड रखा था, उसकी वजह से बस ये जो डिसीजन वाला काम है ना वो नहीं कर पाता। लेकिन उसको रीज़न चाहिए होती है। अगर मैं कहती हूँ कि मेहमत ये काम आपने नहीं करना तो उसको रीज़न चाहिए होती है कि वाई मामा क्यों नहीं करना और इसकी क्या वजूहत है। और मुझे लगता है जो बच्चे आर्ग्यूमेंट करते हैं और जो बच्चे रीजंस ढूंढते हैं, सोल्यूशन उन्हीं के पास होता है। हम वो वाले बच्चे थे जिनको अगर एक थप्पड़ लगा के किसी चीज़ से मना किया है ना तो उन्होंने मना हो जाना है, और अगर किसी ने कहा है ना कि ये काम नहीं करना तो हम वो नहीं करते थे और हम आराम से साइड पर बैठ जाते थे। कि ये चीज़ बच्चों में नहीं होनी चाहिए, बच्चे खुद अपना डिसीजन ले पाएँ। डिसीजन ना उनको दें बट उनको चीज़ें समझाएं कि ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ अच्छी नहीं है, बेनिफिट्स बताएं चीज़ों के कि अगर आप ये चीज़ करोगे तो इसका ये आके फ़ायदा है। तो ये चीज़ें मुझे लगता है बच्चों में होनी चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह मेहमत में मैं थोड़ी सी डेवलपमेंट की चाह रही हूँ और वो हो रही है। मेहमत जो है वो चीज़ अगर उसको मना करती हूँ वो आर्ग्यूमेंट करता है। हर बच्चे का हक है आर्ग्यूमेंट करना, हर बच्चे का हक है रीज़न ढूंढना, हर बच्चे का हक है कि वो पूछे कि क्यों नहीं मामा। बॉयज़ जो होते हैं वो नेचुरली एक स्ट्रॉन्ग होते हैं और जो लड़कियाँ होती हैं ना वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, तो बेटियों को तो बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्ग करना ही चाहिए। बेटियाँ जो होती हैं ना वो हर चीज़ की जो होती हैं ना बुनियाद होती हैं, तो बेटियों को लाजमी स्ट्रॉन्ग करें। और एक और चीज़ जो मैं कहती हूँ, अगर हमने किसी को कोई भी बात करनी है या कोई बात कहनी है, इवन तो मैं अगर मेहमत से भी कोई बात करती हूँ ना, मैं ये मेक श्योर करती हूँ कि मैं वो काम कर रही हूँ फिर मैं मेहमत को बोलूँ कि आप ये काम करो। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे मेहमत को कहना आज आपको मोबाइल यूज़ नहीं करना, तो मैं खुद भी उस दिन सारा दिन मोबाइल को हाथ भी नहीं लगाती, मोबाइल एक साइड पे पड़ा रहता है, क्योंकि अगर मैं पकड़ूंगी तो बच्चे के माइंड में यही बात आएगी मुझे मना कर रही हैं, अगर ये चीज़ अच्छी नहीं है तो फिर क्यों खुद कर रही हैं। बात करनी है ना तो पहले हमें उस पर खुद अमल करना चाहिए और फिर हमें दूसरों को कहना चाहिए या अपने बच्चों को भी समझाना चाहिए कि भाई ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ गलत है। हाँ, मे बी उनका पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो, मे बी उनका जो तरीका है वो अलग हो, लेकिन काम दोनों तरफ एक जैसे चल रहे होते हैं। पहले खुद अमल कर लेना चाहिए फिर हमें गाइड करना चाहिए कि क्या चीज़ ठीक है क्या चीज़ ठीक नहीं है।